कुछ कंट्री एक चीज बता, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर आज क्रिसमस की बात करते हैं, ठीक है, किसी कंट्री में क्रिसमस है, उसको माल क्रिसमस में बेचने के लिए मंगा, बिल्कुल राइट। अब वो क्रिसमस निकल गया, निकल गया, तो माल कब बेचूंगा मैं? ये कहानी है, देखिए टाइम फ्रेम है ना, इसीलिए इसमें ज्यादा लेके चला जाता है। कुछ बायर ऐसे भी होते हैं ना, जैसे थोड़े टाइम भी लेट हो जाता है ना, एक दिन भी वहाँ से वो आने लगता है। हाँ, तो मैं अब देखो मैं बताता हूँ, देखो जो एयर कार यहाँ में क्या फर्क है सीन, जैसे बहुत जल्दी पहुँच वहाँ, अगर अर्जेंसी होते, सपोज आज कल क्रिसमस है और आपको क्रिसमस का माल भेजना, आपके पास ऑर्डर है तो आज आपको भेजना पड़ेगा, मतलब सपोज एक दिन पहले, आज भी छोड़ दो इससे एक दिन पहले जो बीता हुआ था, तो उस दिन का आपको भेजना होगा, वो बटवारा रिलीज होगा वहाँ से, उसकी दुकान पे जाएगा, गोडाउन में जाएगा, फिर उसको वो आज सेल फटाफट से। अब ये जाता है दुबई में, जाता है 20-22 दिन के बीच में। अच्छा, रेलवे ट्रैक अंदर बना हुआ है यहाँ से। अच्छा, इधर इटली स्पेन साइड, क्योंकि मेरा तो दो स्ट्रेट वहीं पर है, यूरोप की तरफ का। हाँ, तो यूरोप कंट्री में करो, उसमें कितना टाइम लग जाता है? तो उतना ही उतना टाइम लगता है, 20-22 दिन हमारा होगा, 40-45 दिन, 50 दिन अप्रोक्स मान के चलते, 10 दिन ऊपर एक सेफ्टी के लिए ले ले, बस इन केस देख कहीं से लेबर तूने भी जुगाड़ करनी है, रॉ मटेरियल उठाना है। और हिंदुस्तान में क्या है, हाँ जी भाई साहब हो जाएगा, सबको बोलेंगे 2-4 दिन 5 दिन लगते हैं। मैंने भी बहुत माल मंगवाया हुआ, बोलूंगा हाँ भाई साहब आपका रिक्शा चला गया, वो रिक्शा को चला गया, हिला ही नहीं होता, वो होता ही नहीं है, रिक्शा ही नहीं है वहाँ पे, माल ही नहीं है। की बात करता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है वो दुबई में रहता है, वो क्या करता है, उनके फादर किसी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, तो उन्होंने काम सीखा और दुबई भी जाते, तो उन्होंने वहाँ पे बाहर सेट कर एक गोडाउन खरीद लिया, दुबई में उन्होंने वहाँ पे अपने नाम की कंपनी रख ली, और यहाँ भी अब दोनों यहाँ पे करता है वो, दोनों बाप बेटा है, बेटा आता है यहाँ पे, अब तो घर बेटा वहीं रहने लगा, बाप भी यहीं से भेजता है, तो बेटा आएगा दिल्ली में आएगा, जब वहाँ माल सब बिक जाएगा वो आपको अलीगढ़ जाएगा, अलीगढ़ से अलग टाइम अलग आइटम लाएगा खरीदने, और आपका फिलकवा जाएगा, अदर अदर मतलब स्टेट में जाएगा, वो परास का भी आइटम लाता है, जैसे कि ये होता है क्या बोलते हैं आपको, ऊँट हो गए खिलौने टाइप से, और हाथी हो गए, ब्रास का आइटम होता है, तो हुक्का हो गया ब्रास का आइटम, वो सब इकट्ठे करेगा वो चारों तरफ से, और कुछ आइटम ऐसे होते हैं मेडअप्स, जिसको मेडअप्स बोलते हैं, जिसमें तकिया वगैरह और ये के मैट बोल दे, तो उनको लाएगा वो पहाड़गंज लाएगा अपने गोडाउन में, उसने लेबर रखी है ना, पहाड़गंज में लेबर रखी है, उसने गोडाउन लिया हुआ है बाकायदे, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करेगा। आज की डेट में दिल्ली में सबसे बड़ा फॉरेन ट्रेड जो हो रहा है पहाड़गंज, तो वहाँ पे उसको ना थोड़ा थोड़ा वो विजिट करेगा उस पर थोड़ा, उसको अच्छा बना के, उसके बाद जब उसका कंटेनर फुल हो जाएगा तो हमसे कॉन्टेक्ट करेगा, मेरा माल तैयार है, इतना तैयार है, अब निकाल उधर, जैसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जाएगा उनका बेटा छुड़ाएगा वहाँ पे, ड्यूटी फिक्स है, उनके मैसेज चला जाएगा दुबई से उनके मेल पे या उनके मोबाइल पे कि अपनी ड्यूटी पे करो, देन अपना माल ले जाओ, ठीक है। वहाँ पे दो हर आइटम की अलग अलग, किसी पे 2% है, किसी पे 2% है, वो माल ले गया उसने गोडाउन में उतारा, उसके सप्लायर आते हैं वो ले जाते हैं, बस। अब बाप यहाँ से करता है, बेटा वहाँ से करता है, हाँ वहीं रहता है बेटा, कमाए असल सस्ता यहाँ से महंगा, वो फिर अलग अलग कंट्री में भेजता है। देख एक बात बता, अगर मुझे दुबई में भेजने का तरीका बताता हूँ, अगर मैं सपोज कर मेरी दोनों फर्म है, तो मेरी भी फर्म है, मेरी फर्म है, जेब तो एक ही ना, राइट और लेफ्ट, ठीक है, मैंने यहाँ से रेट टू रेट भेजा या सस्ता भेजा, तो वहाँ पे जो रेट भेजोगे कस्टम ड्यूटी तो उस हिसाब से लगेगी ना, मैं 100 की चीज़ 500 लगा के भेजूंगा तो 500 पे लगेगी, 100 की 100 में दूंगा, अब वहाँ उधर की बंदा, अब वहाँ पे माल सस्ता पड़ गया उसको, तो उसको कॉम्पिटिशन फेस करने में आसानी होगी। देखो आपकी सपोज एक वैल्यू को, सपोज घड़ी है 100 रुपये की, तो आपको गवर्नमेंट भी 40-50% 40% जो है इससे अबाव है, मतलब कैसे तुम भेज सकते हो, क्योंकि आपके चार्जेस भी होता है ना, पैकिंग होती है, खुलाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होते हैं 40% आप भेज सकते हो, इससे मिनिमम इतना तो होता है, ये गवर्नमेंट अलाउड, गवर्नमेंट ज़्यादा, और देन उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो आपको वो यहाँ पे इंसेंटिव भी देती है, ड्रॉबैक बोलते हैं उसको, आपको ड्रॉबैक देगी वो आइटम पर, देख लेगी घड़ी पर कितना आइटम है, जैसे एफ ओ भी बनती है, फ्रेट ऑन बोर्ड जो होती है एफ ओ भी बनती है, तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग ड्रॉबैक, हाँ सबका ड्रॉबैक है, सब वो परसेंटेज होते हैं, तो बहुत गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, तो 2.5%
और 9% होता था मेडिसिन पहला गारमेंट्स वाला था। मैंने कराया था ना पिछले, उसकी सरकार की स्कीम क्या थी, इस सरकार की क्या है, क्या बदल जाए, कब क्या बदल, कुछ नहीं पता। अब सारे रेट सारे ऐसे डाउन कर दिए, या हम लोग क्षेत्र लोग परेशान हैं क्योंकि हम लोगों की भी कमाई होती थी उसमें, ज़्यादा कमाई होती थी उसमें, खासकर गारमेंट्स में। अभी आप सोचोगे नहीं, 2019 से अभी तक जिसमें GST था ही ना, बहुत से CA जो है अभी जेल में है, और जिन्होंने काम करा हुआ है वो सब भग रहे हैं। GST जो खाई है ना, और वो फ्रॉड GST खाई है, बिल काटेंगे नहीं, बिल फ्रॉड बिल लेंगे। मैंने समझाया था ना भाई, टर्की घूमो, थाईलैंड घूमो, तिहाड़ घूमने की जगह नहीं है। छोटी सी बात है, लोग वो भी है ना जो इम्पोर्ट कराते के सारी ड्यूटी देने के बाद भी कमा रहे हैं। नहीं कमाते क्या लोग वो भी है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देख कुछ लोग होते हैं सिर्फ ड्यूटी ड्रॉबैक के चक्कर में, लेकिन ऐसे भी तो एक्सपोर्टर है जो मार्जिन ले के भी तो कमा सकते हैं। कमा सकते, क्यों नहीं कमा सकते? बस 100% तो मार्जिन ही लेना। आज गवर्नमेंट कोई भी है, हम नहीं जानते ना कल को कौन सी गवर्नमेंट आई, उसकी पॉलिसी क्या होगी। तो बेटर है आप अपने बिजनेस को इस तरीके से करो ना जिसमें प्रॉफिट अर्न कर सको। अब पिछली गवर्नमेंट पे अच्छे थे इंसेंटिव, इस गवर्नमेंट में आपके सामने, अब आपके अगर प्रोडक्ट में मार्जिन्स नहीं होंगे, मेन फोकस मार्जिन पे करना है। We'll be right back.